अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई एक नई सीरीज़ हम बना रहे हैं जिसमें कमेंट्स में भी हम ज़्यादा इनपुट लेंगे, कमेंट्स में भी ज़्यादा बात करेंगे, लोग अपना फीडबैक दें कि उनके रीजन में क्या इनोवेशन हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है रिन्यूएबल्स के हवाले से, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या नई अप्रोचेज़ हैं जिसके थ्रू रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है ग्रिड के अंदर, और वो किस तरह बेनिफिट कर पा रही हैं कंज्यूमर को, जिसमें रेजिडेंशियल कंज्यूमर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, और उससे स्टेट को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, स्टेट लेवल पे क्या बिजली में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आ रही है, डेफिसिट में कमी आ रही है, मेंशन करें, क्योंकि हर रीजन की अलग स्पेशलिटी तो होती ही है, बट हर रीजन से कुछ दूसरा रीजन सीख सकता है। जो इनोवेशन ऑस्ट्रेलिया ने आज से 10 साल पहले कर ली थी, उस इनोवेशन को फॉलो करके बाकी सारे मुल्क सीख सकते हैं, और इसी तरह बाकी हर रीजन की स्पेशलिटी इवन दो है, बट उसको देख के बाकी रीजन सीख सकते हैं। तो मेंशन करें, क्योंकि आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, मेंशन करें ताकि बाकी लोग भी नीचे कमेंट्स को भी देख के समझ सकें, और हम भी उस पर फिर डिस्कशन करेंगे आगे। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें, कमेंट शुरू करें, कमेंट शुरू करें, कोई अच्छा अभी लेटेस्ट ही कमेंट है 2 घंटे पहले। सर प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड ये है कि जब किसी सोलर, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब सोलर कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी कहती है ठीक है भाई, हम अपना सिस्टम डिज़ाइन करके दे रहे हैं, हमारा इन्वर्टर होगा, हम ये वाले पैनल लगाते हैं और हम ही इसकी वारंटी भी क्लेम करेंगे, और अगर ख़राब हो जाएगा तो हम दूसरा इन्वर्टर भी लगा के देंगे, और हम हर 3 महीने बाद इंस्पेक्शन भी करके देंगे। पर जब उस कोटेशन को कंपेयर करते हैं आप किसी भी दूसरी कोटेशन से, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, प्राइस की वेरिएशन बहुत आती है, तो हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए भी लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं और फिर वायरिंग खुद खरीद लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम कहीं से पैसे कहीं बचा लें और हम भी ये सिस्टम लगा लें, क्योंकि अब लगाए बगैर तो गुजारा नहीं है। ऐसे में क्या कर सकते हैं लोग, और क्या हो सकता है कि हमारे पैसे भी ना ज़ाया हो और हमें कोई रीजनेबली सिस्टम भी मिल जाए। 100% ट्रू बात है, और इसमें वजह यही होती है कि अगर तो आप सिर्फ कंपनी के पीछे जा रहे हैं और थर्ड हैंड नॉलेज, सेकेंड हैंड नॉलेज के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर तो यही होगा। ऑन दी अदर एंड अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं, तो फिर आप कम से कम स्टेप 1 पे ये समझ सकते हैं कि कौन सा सिस्टम आपके लिए सूटेबल है और आपके लिए मौजूद है। नंबर 2, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट क्या डिलीवर करती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरह के सिस्टम से, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद बात आ जाती है कि कोई 8 आने में काम कर रहा है और कोई 2 रुपये में काम कर रहा है और कोई 1.5 रुपये में कर रहा है, तो अगेन अब इसका जो जज है वो आपने बनना है कि कौन सी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्योंकि 2 एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स की कोट भी डिफरेंट प्राइसेस में मिल सकती हैं। बिल्कुल इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो रहा। एक 4-व्हीलर गाड़ी एक ब्रांड किसी प्राइस में दे रही होती है, और इक्विवेलेंट गाड़ी दूसरी ब्रांड डिफरेंट प्राइस में दे रही होती है। तो अब ये एज ए यूज़र आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है। जो बात कॉमेंट में मैंशन हुई भी है कि हमें क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा इन द लॉन्ग रन ही पता लग पाता है, इन द शॉर्ट रन नहीं पता लग पाता। दूसरा, अगर आप ब्रांड्स को भी देखेंगे ना, इन्वर्टर के मैन्युफैक्चरर्स को भी अगर आप देखेंगे, हर क्वालिटी का सामान बनाते हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो आज अच्छा बना रहा है वो अगले 10 साल तक अच्छा ही बनाता रहेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, वो डिफरेंट फर्ज करें बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और अच्छी प्राइस भी ज्यादा है, वो नहीं बिक पा रही, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता, क्या करेगा, बनाता थोड़ी रहेगा, नहीं बनाता, रुक जाएगा ना, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उस मॉडल को, वो क्या करेगा, वो मॉडल की क्वालिटी गिराएगा, प्राइसिंग और कंपेटिटिव करेगा, और फिर उसका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। अब आपके माइंड में अगर उसकी 2 साल पुरानी प्रोडक्ट फंसी हुई है कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छी ही बनाता था और वो अच्छी ही चलती थी, तो आज वाली जो सस्ती प्राइस में उसने निकाली है वो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट होगी, तो ऐसा नहीं, अगेन यू हैव टू रिसर्च और यू हैव टू चेक इट आउट। और उसमें अगर आप वही पुराना माइंडसेट लेके सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर नुकसान आप ही का होगा। तो ये जो वेरिएबल अप्रोच होती है ये वक्त के साथ होती रहती है। हर वक्त जब आपने कोई भी चीज़ अडॉप्ट करनी है तो आपकी रिसर्च फुल होनी चाहिए, और आपको मार्केट के में जो है अपना फुल रिसर्च करके जाना है, ताकि आप 80% नॉलेज आपके पास हो, 20% नॉलेज आप मार्केट से गैदर करके अपने लिए सही सोल्यूशन डिफाइन कर पाएं। अदरवाइज अगर आप ब्लाइंड फोल्ड में जाएंगे कि अगला ही मुझे सही बात बता देगा और वही चीज़ दे देगा जो मेरे लिए सूटेबल है, तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं होता और ग्लोबली भी नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है कि यहाँ वो चीज़ बेची जा रही होती है जो दुकानदार के पास होती है, हर जगह होता है। यूएस में भी ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है, 110% यूएस में यही होता है और ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है कि सोलर जो कंपनीज होती हैं हर इंडस्ट्री में यही होता है, नॉट इवन सोलर, यार गाड़ियों में कितना होता है आपको पता है, हर जगह यही होता है। अच्छा, 1-2 कमेंट और ले लें सर। मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में कंज्यूमर बेचारे का अल्लाह ही हाफिज है, 90% कारोबारी लोग फ्रॉडी हैं, उन्होंने सिर्फ माल बेचना है, कंज्यूमर बेचारा जितनी मर्जी रिसर्च कर ले कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक लोगों में खुदा खौफी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो ऐसे ही है,
ठीक है, कब तक ठीक है, पर तब भी आपने अपनी रिसर्च तो करनी है ना। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे जब तक लोग ठीक नहीं होंगे खाना नहीं खाऊंगा मैं, जब तक लोग ठीक नहीं होंगे मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ये तो नहीं है ना। घर से बाहर भी निकलना है, खाना भी खाना है, चीजें भी लेनी है, तो जब लेनी है तो फिर अब हम तो अपनी रिसर्च कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में तो यही है। वो जो आप बात करें वो 100% ट्रू है कि हालात तो यही है, बट आप अपनी रिसर्च करें ताकि आप उस सारे जो गलत चीज़ें बेच रहे हैं या वो आप ना खरीद लें, आप यही कर सकते हैं। बाकी जो गलत प्रोडक्ट को रोकना है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग, प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन, वो लोकली इंजीनियरिंग बॉडीज का काम होता है, वो यहाँ काम ही नहीं करते तो क्या करेंगे एज ए कंज्यूमर, आप क्या करेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, इन योर वीडियो यू टोल्ड ऑन ग्रिड फर्स्ट रन डोमेस्टिक लोड एंड देन द रिमेनिंग सरप्लस यूनिट एक्सपोर्ट टू वापडा। आई वांट टू आस्क, ऑन ग्रिड इन्वर्टर आल्सो हैव वापडा शेयरिंग, इफ सनशाइन नॉट अवेलेबल एंड डोमेस्टिक लोड इज 5000 वाट एंड ऑन ग्रिड इन्वर्टर प्रोड्यूसेस 2500 then the remaining 2500 unit inverter will import from Vapda. Obviously ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका लोड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, अगर आपका लोड ज्यादा है और सोलर प्रोडक्शन कम है तो वो ग्रिड से आ रहा होगा। ये सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम में ही नहीं होता, ये ऑफ ग्रिड में भी ऐसे ही होता है कि जहाँ पे लोड ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो सोलर की, तो लोड को तो सेटिस्फाई करना है ना, वरना तो लोड ही ट्रिप कर जाएगा, आपकी जो पावर है वो होगी नहीं सफिशिएंट, तो आपकी पावर फेलियर हो जाएगा। ग्रिड में भी तो यही होता है ना, आप जब ज्यादा खींच रहे होते हैं और पीछे प्रोडक्शन नहीं हो रही होती तो क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है, पहले ब्राउन आउट होता है फिर ब्लैकआउट हो जाता है। तो यहाँ भी यही है, अगर आपके पास कम सोलर से बिजली बन रही है तो पीछे से बिजली आएगी कहीं से, और वो कहाँ से आएगी, ग्रिड से ही आ सकती है, अनलेस कि आपने बैटरीज लगवाई नहीं हो ऑफ ग्रिड सिस्टम में। बिल्कुल, वीडियो को रैप अप करें, आज के लिए 3-4 कमेंट्स हो गए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, अपने क्वेश्चंस को मेंशन करें, और जो हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि अपने रीजन्स में डिफाइन करें कि आपके रीजन में क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या नई इनोवेशन है जिसे बाकी लोग सीख सकते हैं, खुल के मेंशन करें। थैंक यू।